बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश के कुछ एडियम्स हैं उर्दू टू इंग्लिश कन्वर्ट करने होते हैं। इसके दो किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। पहला सवाल जो इससे आता है वो है उर्दू टू इंग्लिश, और दूसरा क्वेश्चन जो इससे आता है वो है फिल इन द ब्लैंक्स या मल्टीपल चॉइस। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में अगर उन्होंने दे दिए ना मनी मेक्स द डैश, तो आपको याद होना चाहिए मनी मेक्स द मेयर गो। ओके, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो डैश नो मॉस। तो इस तरह जब आपने याद किया हो तो आप उस मल्टीपल चॉइस में आंसर आराम से दे देते हैं, लेकिन अगर आपने पहले इस कभी स्टडी ना किया हो तो फिर मुश्किल होता है आप लोगों को वो चीज़ें कवर करना। देखिए, चोरी की चीज़ बड़ी मज़ेदार होती है। फॉरबिडन फ्रूट्स आर स्वीट, फॉरबिडन फ्रूट्स आर स्वीट। अच्छा, आपको कांसी है ना, और आपकी मम्मी मना करती है कि भाई लेस चिप्स नहीं खाना, कांसी है, तो उन दिनों लेस का जो मज़ा आता है ना वो आम दिनों में कहाँ आता है। ठीक है, इस तरह एक फ्रूट का बाग है आपके घर के करीब, और वहाँ का मालिक जो है वो रोक लेता है लोगों को कि भाई इसके अंदर नहीं आना। ठीक है, लेकिन वही फॉरबिडन फ्रूट्स का बहुत मज़ा आता है चोरी छुपके अगर लिया जाए। ठीक है, वैसे नहीं करनी चाहिए चोरी, मैं ऐसे एक मिसाल दे रहा था। तो चोरी की चीज़ बड़ी मज़ेदार होती है। ठीक है, फॉरबिडन फ्रूट्स आर स्वीट। बड़ों की आदतें छोटों को पड़ती है। व्हेन द ओल्ड कॉक क्राउज द यंग कॉक्स फॉलो। ओके, बड़ों की आदतें छोटों को पड़ जाती है। ताली दोनों हाथों से बजती है। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वर्ल्ड। याद रख लेना, इम्पोर्टेंट भी है। कत्ल छुप नहीं सकता, द मर्डर विल बी आउट। ख्याली पुलाव पकाना, टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर। दाम बनाए काम, मनी मेक्स द मेयर गो। बेवकूफ़ दोस्त से अकलमंद दुश्मन अच्छा। अ वाइज एनिमी इज बेटर देन अ फूलिश फ्रेंड। इंसान अपने अमालों से पहचाना जाता है। द ट्री इज नाउन बाय इट्स फ्रूट। दरिया में रहना और मगरमच्छ से दुश्मनी या मगरमच्छ से बीर। इट्स हार्ड टू लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप। रोम के जो सबसे सीनियर बंदा होता है ना, ठीक है, उसको पोप कहा जाता है। मतलब जो इनका जो सबसे बड़ा होता है ना, जिस तरह हमारे हाँ बड़ा मौलवी साहब होता है या आलम होता है हमारा आलम दीन, तो उनका होता है पोप। तो आपने रोम में भी रहना है और पोप से दुश्मनी भी रखना है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसकी मिसाल ऐसी है कि दरिया में रहना और मगरमच्छ से दुश्मनी। तूने दरिया में घर भी बना लिया और मगरमच्छ से तुम्हारी दुश्मनी है, तो मगरमच्छ तो आगे तुम्हें घर तो क्या तुम्हें ही खा लेगा पूरा। दो घरों का मेहमान भूखा सोए। एक घर कहेगा वो खाना खिलाएगा, दूसरा घर कहेगा ये खाना खिलाएगा, तो वो अक्सर भूखा सो जाता है। बिटवीन टू स्टूल्स यू फॉल टू द ग्राउंड। ओके, दो घरों का मेहमान भूखा सोए। वो कहते हैं ना, दो कश्तियों पे पैर नहीं रखना, एक ही पे जाना, एक टाइम में एक पे, दूसरे टाइम में दूसरा। और मैं भी अक्सर आप लोगों को कहता हूँ ना कि जिस टाइम आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हो ना, तो अगर आप इंग्लिश का पेपर कर रहे हो तो आपने उर्दू का नहीं सोचना, अगर आपने मैथ का पेपर कर रहे हो तो आपने साइंस का नहीं सोचना, और जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उस टाइम सिर्फ उसी एक क्वेश्चन के बारे में सोचो, साथ वाले सवालों के बारे में भी नहीं सोचना। ठीक है, धोबी का कुत्ता न घर का न गाट का। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। दीवारों के भी कान होते हैं। इवन वॉल्स हैव ईयर्स। कूदने से पहले देखो, लुक बिफोर यू लीप। दीन से गया दुनिया से गया। If I lose my honor, I lose myself. Okay, students, next page है डूबते को तिनके का सहारा। A drowning man catches at a straw. रात भर रोते रहे, मरा कोई नहीं। Much cry, little pool.
जुबान शीरीन मलक गिरीन, अ स्वीट टंग इज़ अ गुड वेपन, जुबान शीरीन मुल्क गिरीन, मतलब अगर आपकी ज़ुबान मीठी है ना तो आप पूरे मुल्क को घेरे में ले लेंगे, अ स्वीट टंग इज़ अ गुड वेपन, ठीक है। पूरी न सही आधी सही, हाफ अ लोप इज बेटर देन नन, हाफ अ लोप इज बेटर देन नन। मेहनत चोर की भी रायगा नहीं जाती, हार्ड वर्क ऑलवेज पे पेज, सुस्ती जो है वो हर बीमारी की जड़ है, याद रख लेना, ठीक है, सुस्ती हर बीमारी की जड़ है। आइडलनेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल एल्स, जैसी करनी वैसी बरनी, एज यू सो सो शल यू रीप, शराब मुफ्त की हो तो काजी को भी हलाल, एन ओपन डोर विल टेम्प्ट इवन अ सेंट, इवन अ सेंट, पहले आइए पहले पाइए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, मौत का कोई इलाज नहीं, डेथ डिफाइल्स द डॉक्टर, जिंदगी पर कोई एतबार नहीं, डेथ कीप्स नो कैलेंडर, ये आ सकता है पेपर में, डेथ कीप्स नो कैलेंडर। और एक ये वाला, सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार, द चीपर बायर गेट्स बेड मीट, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, फेयर एक्सचेंज इज नो रॉबरी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसरी, व्हाट द आई सीज नॉट। ये आगे जो 43-56 है, ये आप लोग को स्क्रीन पे नज़र आ रही है, आप लोग बाद में खुद रीड कर लेना, 57-70, ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आप लोगों को मैं YouTube चैनल पे अपलोड करके भिजवा भी दूंगा, 85-98, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है, ज़रूरत ईजाद की माँ है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ओके। अच्छा, अकलमंद के लिए इशारा काफ़ी है, अ नॉट टू द वाइज एंड ए रॉड टू द अदर वाइज, और अंधा क्या जाने बसंत की बहार, अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स, बस। और आखिरी वाला, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, अ ब्लैक शीप स्पॉइल्स द होल फ्लॉक, अ ब्लैक शीप स्पॉइल्स द होल फ्लॉक। तो रीडिंग सबकी करनी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों ने याद भी रखने हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती, इट टेक्स टू टू मेक अ रो। जिसकी लाठी उसकी बेंच, ये पेपर में भी आया था ना, माइट इज राइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, दूध का जला चाच भी पूंग पूंग कर पीता है, वंस बिटन ट्वाइस शाय, ये याद रख लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारे प्रोवर्ब का टॉपिक था जो कंप्लीट हो गया।